वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज का इतिहास लेके आप सिख संगत के सन्मुख हाजिर होया हाँ। अज 27 जुलाई ये दिन सिख धर्म के उन्होंने महान जरनैलों समर्पित है जिन्होंने दो जाणिया ने ही मुगलिया सल्तनत को यह गल दस दिती भलियो जिन्हों तुसी खत्म करन ते तुले हो ये खत्म नहीं हुए असल दे विच इतों के महाराजे ने होया। इस तरह बाबा बूटा सिंह जी, बाबा गरजा सिंह जी दोवें गुरमुख दरबार साहब श्री हरिमंदर साहब के दर्शन करन वास्ते गए ने। रात में दर्शन करन वास्ते जा सकते सन। नेड़ला इलाका नूरदीन के इलाके विच झाड़ियां दे ओले लुके ने कि सुनते ने कि दो राहीगीर तुरे जाते ने वो देखते ने भी झाड़ियाँ हिल रही ने ते ओ मुसलमान भरा आपस च गल करते ने कहिंदा लगदा सिख होणगे ते नाल वाला कहिंदा किहड़े सिखां दी गल करदा वो ते जकरिया खां ने कदों दे मार मुका दिते सिखां दा हुण इस इलाके विच फड़कना नामुमकिन आ। जदों बाबा बूटा सिंह गरजा सिंह ने यह गल सुनी उन्होंने इन्हां नूं तां कुछ नहीं कहा परंतु उन्होंने फैसला किया कि असी हुण जकरिया खां तक यह गल लैके जानी है कि सिख खत्म नहीं हो सकते। उन्होंने की किया नूरदीन सरां दे लागे दी जिहड़ी वड्डी सड़क सी जिहड़ी लाहौर नूं दिल्ली दे नाल जोड़दी सी उदों यह मेन रोड हुंदा सीगा उहदे उपर एक नहर दे किनारे ते इन्होंने नाका ला लिया। नाका ला के उत्थे टैक्स लोकां तों लैंदे ने ते किसी कवि ने वो बड़े प्यारे मिठड़े बोल लिखे ने कहिंदे ने कि चिट्ठी लिखे सिंह बोता हथ है सोटा विच रहा खड़ोता आना लाया गड्डे नूं पैसा लाया खोता आखो भाभी खानों नूं यों आखे सिंह बोता। जदों ये गल जकरिया खान दे तक चिट्ठी दे रूप में पहुँची जकरिया खान ने जलाल दीन नूं जिहड़ा कि नेड़ले इलाके का हाकम सी उन्हूं कहा कि तुसीं अपनी सेना लैके जावो। वो दो बंदयां नूं गिरफ़्तार करन वास्ते अपना 100 बंदा लैके गया है। कुछ विद्वानां ने 300 जणियां का भी जिक्र किया है। 100 सिपाही लैके नाल गया आ। जदों 100 सिपाही लैके नाल गया तो की देखदा आ मलूकड़े जे शरीरां वाले दो ओ गुरु के सिख जिन्हां ने अपने हत्थां दे विच लकड़ दे वड्डे वड्डे घोटने रूपी हथियार फड़े ने क्योंकि उन्होंने शहतूत दे टाण वढ के उन्होंने इस तरीके नाल बनाया होया सीगा कि इन्हां दे नाल लड़ांगे भी जिंदे एक वारी सिर च वज्जे वो दुबारा उठ के लड़ ना सके। होया भी बिल्कुल इस तरीके दे नाल फौज ने आण के घेरा पाया आ। उन्होंने कहन लगे तुसीं गिरफ़्तारी दवो। बाबा बूटा सिंह जी गरज के कहिंदे भलियो साडे घरे ते इह रवायत ही नहीं है तुहाडे घरे होएगी तुसीं सांभ के रख लवो। जे असीं गिरफ़्तारी ही देनी हुंदी असीं चुंगी ते नहीं खड़ना सी असीं टैक्स नहीं लोकां तों लैणा सी। इन्हां कहिण दी देर जलालदीन ने पहलां अपने 5 सिपाहियां नूं भेजिया कि 2 जणे ने जा के गिरफ़्तार कर लवो। पता उदों लगा जदों कुछ कु पलां दे विच पंजां दीआं लाशां सामने पईआं ने। फिर उन्हें 10 जणे भेजे ने पता लगा 10 दीआं लाशां भी सामने पईआं ने। जलालदीन नूं बड़ी नामोशी हुई कि 15 बंदे मैं भंग दे भाणे मरवा लए। उन्हें अपनी फौज नूं एक वारी कहा कि एकदम इन्हां दे उपर हमला करो। जदों हमला करन दी गल कीती उन्होंने एक वारी सिंघां दे उपर जदों हमला बोलिया आ तां अगों गुरु के दलेर सिखां ने जिहड़े पिठां नाल पिठ जोड़ के खड़े सन उन्होंने इन्हां दे विच्चों 50 दे करीब जिहड़े मुगलिया सैनिक सन उन्हां नूं मौत दे घाट उतार दित्ता। अंत नूं आप भी गुरु के सिख शहादत दा जाम पी गए। 100 दे विच्चों अद्धे इन्हां ने खत्म कर दिते लगभग सारे जाने फटड़ कर दिते। ये गुरु के महान सिखां दा महान इतिहास जिन्हां ने सरकार नूं ये गल दसी कि सिख मुकाया मुक नहीं सकते। अज भी साडे दुश्मनां नूं ये भरम है कि असीं सिख खत्म कर देवांगे। भलियो जे अज सिख लंगर लाउणा ही कल्ला बंद कर देना तो तुहानूं लोकां नूं 4 दिनां विच पता लग जाएगा कि सिख हुंदे कौन ने। सतगुरु कृपा करन ये अज दा दिन बाबा बूटा सिंह जी, बाबा गरजा सिंह उन्हां दी शहादत नूं समर्पित। भुल चुक दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।